चलो यहां पे देख, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज, उसमें एग्जाम एक्सरसाइज का नंबर फिफ्थ, फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज आपको क्या कहते हैं ध्यान से देखो। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास एक सर्किट है, सपोज कि कोई एक वायर है, यहां पर हमने क्या रखा हुआ है बैटरी, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव। यहां से जब करंट पास होता है और वापिस पॉजिटिव में से निकल के वापिस घूम के नेगेटिव में घुस जाता है, बराबर है। करंट जब पास होता है कोई भी कंडक्टर के अंदर से, तब करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, एमीटर, टू मेजर करंट। कौन सा मीटर आता है, एमीटर। और एमीटर ऑलवेज कहां पे रखते हैं, सीरीज में। अगर आपको एमीटर पूछा होगा तो आप कहां पे रखेंगे, सीरीज में रखेंगे। और टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, वी यूज वोल्टमीटर। क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हम कहां पर रखते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ये दोनों पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर कैसे है, पैरेलल, पैरेलल मतलब यहां से कनेक्शन लिया, यहां से कनेक्शन लिया, और उन दोनों के बीच में मैंने क्या रख दिया, वोल्टमीटर। बोलो समझ में आ रहा है। तो टू मेजर करंट इन द सर्किट वी कनेक्ट एमीटर इन सीरीज कनेक्शन, एंड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी पुट वोल्टमीटर। क्या रखेंगे, वोल्टमीटर। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। कैसे, सिक्स नंबर का न्यूमेरिकल, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। कौन सा वायर है, कॉपर, कॉपर वायर, उसका डायमीटर कितना है, 0.5 मिलीमीटर। अगर डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है तो रेडियस आर इज इक्वल टू डी बाई टू, 0.5/2 मिलीमीटर, हाँ कि ना, 0.5/2 कितना होता है, 0.25 मिलीमीटर। तो आपको रेडियस मिला 0.25 मिलीमीटर, को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनटू 10^-3। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर, याद रहेगा। यहाँ पे रीजन याद रखना है तो लिख दो, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर। तो ये आपको क्या मिला, रेडियस मिला। क्या मिला ये आपको, रेडियस। और क्या दिया गया है, रेजिस्टिविटी 1.6 इनटू 10^-8 ओम इनटू मीटर, 1.6 इनटू 10^-8 ओम इनटू मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर मुझे रेजिस्टेंस 10 ओम का चाहिए, अगर मुझे रेजिस्टेंस कितने ओम का चाहिए, 10 ओम का, तो वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बटे ए, रो एल बटे ए। अब यहां पे देखो, ए मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। कोई भी वायर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, कौन से शेप में, सिलिंड्रिकल। तो ये सिलिंडर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलवेज सर्कल में होगा, किस में होगा, सर्कल में। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हां, तो यहां पे मुझे लेंथ चाहिए, क्या चाहिए मुझे, लेंथ। तो
तो लेंथ को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। तो लेंथ को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना, तो ए यहां पे गया, यहां पे जो डिवीजन में है वो उस साइड मल्टीप्लिकेशन में, यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो सामने की साइड डिवीजन में। बट एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ इज इक्वल आर इनटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो उसके ऊपर से लेंथ इज इक्वल आर कितना है 10, ये 3.14। स्मॉल आर रेडियस कितना है 0.25 इनटू 10 रेस टू माइनस 3 का स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी रो कितनी है 1.6 इनटू 10 रेस टू माइनस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे लेंथ इज इक्वल टू ये 10 इनटू 3.14 इनटू 0.25 का स्क्वायर है, मतलब 0.25 इनटू 0.25 लिख सकता हूं, 10 रेस टू माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 10 रेस टू माइनस 6। गलती से भी 10 रेस टू माइनस 9 मत करना। आप कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 3 का स्क्वायर 9, ना ये 10 रेस टू 3 का स्क्वायर है मतलब 10 रेस टू माइनस 6, और ये क्या आया 1.6 इनटू 10 रेस टू माइनस 8। बोलो अब क्या करें, अब पॉइंट रिमूव करके सॉल्व, पॉइंट रिमूव करके इसको सॉल्व करना आएगा। यस पक्का? हां मैं कर रहा हूं, कर लेंगे आएगा ना। हाँ। बराबर, जितना हो सके उतना ट्राई करना, ये तो इजी है, ये 25/100 हो जाएगा ना। हाँ। ये भी 25/100, तो ये 25/4 होगा कि नहीं होगा। हाँ। बराबर, और बाद में यहाँ पे 10 इंटू 3.14 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, ये 10 रेस टू माइनस 8 ऊपर जाएगा तो 10 रेस टू प्लस 8, ये 1.6 और ये 4/4 = 16। इसको करके सॉल्व करना, बराबर। हाँ, तो ये क्या हुआ आपका एक्सरसाइज का 5th and 6th। क्लियर हो रहा है? यस सर। पक्का? हाँ।